जंगल में एक सफेद रंग का घोड़ा हरी हरी घास चर रहा था। तभी वहां पर एक बैल आ गया। बैल घोड़े को घास चरते हुए देखकर गुस्से से आग बबूला होकर अपने नथुने फुलाने लगा। अरे, इस बेईमान घोड़े की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो ये मेरे इलाके में आकर घास चरने लगा। अभी इसकी अकल ठिकाने पर लाता हूँ। बैल फुंकार मारता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और घोड़े को एक जोर की टक्कर मारी। टक्कर खाकर घोड़ा गिर पड़ा। घोड़ा फुर्ती से खड़ा हुआ और बैल को घूर कर देखते हुए बोला, अरे बेवकूफ बैल, तू अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। ठहर, अभी निकालता हूँ तेरी दादागिरी। फिर घोड़ा अपने दोनों पैर उठाकर जोर से हिनहिनाया और अपनी तुलकतियां बैल को मारने लगा। घोड़े और बैल में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उधर से गुजरने वाले जानवर भी रुक रुक कर दोनों की लड़ाई देखने लगे। तभी वहां एक बूढ़ी गाय आ गई और बैल और घोड़े के बीच में खड़ी होकर दोनों को लड़ने से रोकने लगी। तुम दोनों को क्या हो गया है? जब देखो लड़ाई करते रहते हो। तुम दोनों भाई होकर भी क्यों लड़ते हो? माँ, ये मेरा भाई नहीं है। तुमने सिर्फ इसे अपना दूध पिलाकर पाला है और अब ये मेरा दुश्मन है। गाय से ये बोलकर बैल वहां से चला गया। घोड़ा कहने लगा, तुम्हारा ये बेटा बिना किसी कारण ही मुझे अपना दुश्मन समझने लगा है। आप इसे समझाइए। बेटे, तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। जब उसने तुम्हें जन्म दिया था और वो मर रही थी, तो उसने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। गाय को याद आता है कि कैसे अपने नन्हे बछड़े के साथ वो प्रसव पीड़ा में मरती हुई घोड़ी के पास खड़ी थी और घोड़ी का जस्ट बॉर्न बेबी घोड़ी के पास खड़ा हुआ था और घोड़ी गाय से कह रही थी, गाय बहन, मेरा अंतिम समय आ चुका है। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे की तुम ही परवरिश करना। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह अपना दूध पिलाकर पालूंगी। इतना कहकर घोड़ी मर गई। गाय अपनी याददाश्त से बाहर आती है और घोड़े से कहती है, मैंने तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन पूरी ईमानदारी से निभाया है बेटा। तुम और मेरा बैल दोनों भाई ही हो, फिर तुम दोनों में ये दुश्मनी कैसी है? मुझे नहीं पता माँ, पहले तो हम दोनों सगे भाइयों की तरह रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से बैल भैया को पता नहीं क्या हो गया है। वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगे हैं। तुम उसे समझाना। ये कहकर घोड़ा हिनहिनाता हुआ वहां से भाग गया और गाय आकाश की ओर मुंह करके कहने लगी, हे ईश्वर, मेरे दोनों बेटों को सद्बुद्धि दो। इन दोनों में पहले वाला प्रेम भाव पैदा कर दो। बैल भैया, क्या हाल है तुम्हारे? बड़े थके थके से नजर आ रहे हो, क्या बात है? आज मेरी सफेद घोड़े से खूब लड़ाई हुई। बस उसी लड़ाई के कारण थोड़ा सा थक गया हूँ। क्या तुमने अपने सींगों से उस घोड़े का पेट फोड़ डाला? नहीं, मेरी माँ हमारी लड़ाई के बीच में आ गई थी, इस कारण आज तो वो बच गया, लेकिन फिर किसी दिन मैं उसे जरूर मार डालूंगा।
मारी डालना भैया, तभी फायदे में रहोगे। नहीं तो मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, वो तुम्हें जान से मारने की साजिश रचे बैठा है। सियार भैया, तुम्हारी बात पर विश्वास करके ही तो मैंने सफेद घोड़े से अलग रहना शुरू किया है, नहीं तो वो और मैं पहले तो भाई भाई ही थे। अरे बैल भैया, घोड़ा और बैल भला भाई भाई कैसे हो सकते हैं? अच्छा हुआ जो तुमने मेरा कहना मानकर उस नमक हराम घोड़े से भाईचारा तोड़ दिया। अब तो बस तुम किसी दिन मौका पाकर उसे मार ही देना। हाँ, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। बैल को भड़काकर सियार वहां से चला गया। दूसरी तरफ जंगल का चीता अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ आराम कर रहा था कि तभी वहां पर सियार पहुंच गया और बोला, चीता महाराज को सियार का नमस्कार। अरे सियार, आजकल तू कहां गायब रहता है, कई दिनों बाद नजर आया है। वो क्या है ना, तबीयत थोड़ी ढीली थी महाराज, इसलिए आपके दरबार में हाजिरी नहीं दे पा रहा था। अरे मेरे उस काम का क्या हुआ जो मैंने तुझे करने के लिए बोला था? तुझे पता नहीं है मैं उस मोटे ताजे बैल का मांस खाने के लिए कितना उतावला हो रहा हूँ। महाराज, जब तक बैल और सफेद घोड़े में भाईचारा बना हुआ था, तब तक बैल का मांस खाना आपके लिए नामुमकिन था, लेकिन मैंने उस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है महाराज। अब आप जल्दी ही उस बैल को अपना शिकार बना सकते हैं। अरे वाह, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया तूने? मैंने उन दोनों के बीच में दुश्मनी का बीज बोकर उनका भाईचारा तोड़ दिया है। ये तुमने कैसे किया? महाराज, मैं एक दिन बैल के पास गया और उससे कहा, बैल अकेला जंगल में घास चर रहा है, तभी वहां सियार आता है और बैल से कहता है, अरे बैल भैया, आज अकेले ही घास चर रहे हो, तुम्हारा भाई यानी सफेद घोड़ा कहाँ है? हाँ, घोड़ा मेरे साथ में ही तो था, लेकिन वो अभी अपने किसी दोस्त के पास किसी जरूरी काम से गया है। हाँ हाँ बैल भैया, मैं जानता हूँ वो कौन से दोस्त के पास गया है, मैंने उसे उसके दोस्त से बातें करते हुए सुना है। अच्छा, जरा मुझे भी तो बताओ कौन है उसका दोस्त और वो क्या बात कर रहा था? रहने दो भैया, कुछ मत पूछो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो सच्चाई सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, ऐसी बात है तो अब तुम मुझे जरूर बताओ क्या मामला है। देखो बैल भैया, मैं चुगली करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। तुम्हारा भाई घोड़ा एक मगरमच्छ से दोस्ती गांठे हुए है और वो तुम्हें मगरमच्छ के हाथों मरवा देना चाहता है। मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करेगा? देखो बैल भैया, वो सब कुछ मैं नहीं जानता, मुझे तो जितनी बात का पता चला उतनी बात तुम्हें बता दी। अब मेरा विश्वास करना या ना करना तुम्हारा काम है, मैं तो चला। सफेद घोड़ा जरूर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, नहीं तो सियार को इतना बड़ा झूठ बोलकर क्या फायदा होने वाला है? सियार अपनी याददाश्त से वापस आता है और चीते से कहता है, इस तरह मैंने झूठ बोलकर बैल के मन में घोड़े की तरफ से दुश्मनी का बीज बो दिया और अब उन दोनों में पक्की दुश्मनी पैदा हो चुकी है। आज भी उन दोनों में भयंकर लड़ाई हुई थी। वाह, शाबाश मेरे चेले, तूने तो कमाल कर दिखाया, उन दोनों के बीच में फूट डालकर तूने मेरा काम आसान कर दिया।
मैं आज ही बैल का शिकार करूंगा और तू भी मेरे साथ चलेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और कुछ दिनों के बाद चीते और सियार को आखिर ये मौका मिल ही गया। बैल एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ जुगाली कर रहा था कि तभी चीता और सियार दोनों ने वहां पहुंचकर बैल को घेर लिया। बहुत मोटा ताजा शिकार है तू। तेरा चर्बीदार मांस खाकर मुझे बहुत मजा आएगा रे। चीते महाराज, आपको मेरा धन्यवाद अदा करना चाहिए। अगर मैं इस बैल को घोड़े के खिलाफ झूठी बात बताकर इन दोनों में दुश्मनी पैदा ना करवाता ना, तो इस बैल का शिकार करना आपके लिए बहुत मुश्किल था। तो बिल्कुल ठीक बोला चेले, तेरी झूठी चुगली लगाने के कारण ही ये बैल उस घोड़े से अलग हुआ और हमारे शिकंजे में फंस गया। चीते और सियार की बातें सुनकर बैल की समझ में अब सारी बात आ गई। वो सियार की मक्कारी जान चुका था और अब बैल को घोड़े से भाईचारा खत्म करने का अफसोस भी हो रहा था। बैल गुस्से में चिंघाड़ कर सियार से कहता है, तेरा सत्यानाश हो जाए सियार, तू तो बड़ा दुष्ट है। तेरे बहकावे में आकर मैंने अपने भाई जैसे सच्चे पक्के दोस्त को अपना दुश्मन समझ लिया और कई बार उसे मार डालने की कोशिश भी की। दुष्ट, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बैल हरकत में आ गया और सियार को अपने सींगों पर उठाकर पटकने लगा और फिर टक्कर मारने लगा। आ, 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 आ। ओए माँ, आ मर गया रे, मर गया, मर गया रे। चीता भी बैल पर झपट पड़ा। बैल चीते का मुकाबला करने लगा। तभी वहां पर अचानक ही सफेद घोड़ा भी आ गया और वो बैल को खतरे में फंसा देखकर जोर से कहने लगा, घबराओ मत मेरे भाई, तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा भाई आ गया है। फिर घोड़ा और बैल ने मिलकर चीते का मुकाबला किया और चीते व सियार की खूब पिटाई की। चीता और सियार अपनी जान की खैर मनाते हुए वहां से भाग गए। बैल शर्मिंदा होकर घोड़े से कहने लगा, मेरे भाई, अगर आज तुम सही समय पर आकर मेरी मदद नहीं करते तो चीता और सियार मेरा शिकार कर डालते। तुम्हारा धन्यवाद। अरे मूर्ख, एक भाई दूसरे भाई को धन्यवाद थोड़ी ना देता है। मैंने सियार के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया था, इसीलिए मैं तुमसे लड़ाई किया करता था। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि तुम मेरे दुश्मन नहीं, मेरे सगे भाई से बढ़कर हो। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। बैल खुश होकर घोड़े के गले लग गया। सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे अपने शुभचिंतकों पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए।